न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूएनएससी का बैठक अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। बुधवार को यानी कि 14 दिसंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भट्टो जरदारी की ओर से यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद जो जवाब दिया है उसकी चर्चा खूब हो रही है। जयशंकर ने किसी भी देश का नाम लिए बिना पाकिस्तान की निंदा करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता हमारे समय की चुनौतियों पर प्रभावी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है, फिर चाहे वह महामारी, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष या फिर आतंकवाद की ही बात क्यों ना हो। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दुनिया जिसे अस्वीकार्य मानती है उसे सही ठहराने का सवाल ही नहीं उठता, उठना चाहिए। और पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये निश्चित रूप से सीमा पार से आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देश पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि ना ही ओसामा बिन लादेन और मेजबानी करना और ना ही पड़ोसी देश की संसद पर हमला करना इस परिषद के सामने उपदेश देने के लिए प्रमाण के रूप में काम कर रहा है। नौकरी दिलवाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। सहारनपुर में आज सपा नेता कार्तिकेय राणा अपने साथियों के साथ पुलिस लाइन पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक गिरोह ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के नाम पर झांसा देकर उनसे ठगी की है और ठगी के मामले को लेकर सपा नेता कार्तिकेय राणा ने बताया है कि मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ पिछले कुछ समय से कार्रवाई नहीं हो रही थी। उन्होंने ये भी बताया है कि मामले को लेकर सहारनपुर के SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये लगभग एक डेढ़ साल दो साल से 2020 का एक प्रकरण चल रहा है जिसमें एक पूरा गिरोह है जो सरकारी विभाग हैं जैसे FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इन सब विभागों में भर्ती के नाम पे हमारे जो युवा हैं विधानसभा क्षेत्र के पूरे जनपद के उनसे पैसा इन लोगों ने लगभग करोड़ों रुपये एक लोगों से ऐट रखा है। 50 लड़के मेरी विधानसभा के, 50 लड़के नकुड़ के हैं और लगभग पिछले 2 वर्ष से वो मामला ठंडा पड़ा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। मुकदमा बल्कि पंजीकृत हो गया 2020 में। नीची नकुड़ का योगिंदर है, मास्टरमाइंड जो नीची नकुड़ का है और जिसकी वाइफ भी है, इसका भाई भी है, मतलब इनका पूरा गिरोह है। एक लड़का वहाँ पे क्या नाम राजेश है मेरठ का, और जी एक संतोष सोलंकी है और एक नारनौल का महिपाल है और जी एक बुलंदशहर का है। तो इसी तरीके से सात के खिलाफ FIR है। तो कैसे ये आप लोग इनके संपर्क में आए, क्यों पैसा दिया आपने? सर बस बेरोजगारी के संपर्क में। कैसे क्या संपर्क में? हमारी नकुट रिश्तेदारी हैं, साबे माजरे भी हैं और जी टाबर भी हैं और वहाँ पे मंदौर में भी हैं भाई जी। उनके साथ भी संपर्क हैं तो उसी हिसाब से हम वहाँ पे कोचिंग कराता था। इसने वहाँ पे पहले कुछ लड़के मास्टर कुछ लड़के योगिंदर कुमार कुछ लड़के वहाँ पे इसने डी ग्रुप में भर्ती कराए, कुछ वैसे भी SSC में भर्ती कराए हैं, मुझे ये नहीं पता किस तरीके से कराए। तो विश्वास बनना आता इनके गाँव में भी कम से भी कम 1 करोड़ रुपया इसके गाँव गाँव से ठग रखा इसने। इटावा लायन सफारी में ही एब्डोमिनल हाइग्रोमा से ग्रसित शेरनी गार्गी का सफल ऑपरेशन किया गया और इस संक्रमण को ट्यूमर की श्रेणी में माना जाता है। भारत में किसी एशियाटिक लायन में ही पहली बार ये संक्रमण पाया गया और सफारी पार्क और कानपुर जू के डॉक्टरों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन करके गार्गी की जान बचाई है। देश में ऐसा पहला ऑपरेशन पहली बार किया गया है। बता दें आपको कि गार्गी महज 2 साल की है। गार्गी निर्जा और जेसिका के संतान है। गुर्गी के सफल ऑपरेशन से सफारी प्रशासन खुश है और गार्गी को हाल ही में पर्यटकों के लिए बड़े से बाहर ओपन एरिया में छोड़ा गया है, लेकिन बीमारी के चलते उसको अभी अस्पताल में उपचार के लिए रखा गया है। और सफारी पार्क के डॉक्टर रोबिन यादव ने बताया कि कई दिन से ट्यूमर के दर्द से जूझ रही शेरनी गार्गी अब पूरी तरह से स्वस्थ है और कानपुर चिड़ियाघर के डॉक्टर और सफारी के स्थानीय डॉक्टरों की टीम ने उसका सफल ऑपरेशन
किया है। हमारे इटावा सफारी पार्क में बास कर रही बब्बर सैनी गार्गी में ये देखा गया मॉर्निंग में कि उसके राइट एब्डोमिनल लीजन में, मतलब पेट में, एक छोटा सा बुंड दिख रहा है। तो उसको 3 तारीख 4 तारीख और 5 तारीख को ट्रीटमेंट दिया गया। 6 तारीख को वो बुंड बिल्कुल क्लियर हो गया था, मतलब घाव पूरा भर चुका था। 6 तारीख को बिल्कुल एनिमल हमारा फिट था। 7 तारीख को सुबह रिपोर्ट हुआ कि उसी पॉइंट पे कुछ स्वेलिंग सी दिख रही है, सूजन सी। 7 को जब देखा गया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। 8 तारीख को दोबारा फिर जब सुबह मॉर्निंग में देखा गया तो उसमें फ्लूड भर गया था। और इसी खबर पर हमारे साथ इटावा से हमारे संवाददाता रोहित सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, ऑपरेशन किया गया है, सफल ऑपरेशन रहा है, क्या कुछ रहा है, पूरा मामला विस्तार से बताइए। बिल्कुल, आपको बता दूं, यह जो लॉयन सफारी पार्क है और ये अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना ये ड्रीम प्रोजेक्ट इन्होंने रखा था और ये एशिया का सबसे पहला ऑपरेशन है जो सफल साबित हुआ है। शेरनी जो है, गार्गी है, महज 2 साल की और उसको ये ट्यूमर की शिकायत थी। इसका जो है सफल ऑपरेशन कानपुर और इटावा के डॉक्टरों की टीम ने किया है। इसको लेके लॉयन सफारी पार्क में बड़ी खुशी का माहौल है और यह जो है बहुत सफल ऑपरेशन है। उसके बाद गार्गी को सुरक्षित बचाया जा चुका है। जी रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो सरकारी पार्क में शेरनी गार्गी का जो है, बताया जा रहा है कि गार्गी जो है महज 2 साल की है और ये भी जानकारी सामने आई है कि सफारी पार्क में शेरनी गार्गी का सफल ऑपरेशन किया गया है। यूपी के फतेहपुर में प्रेमी प्रेमिका के बीच जाति रोड़ा बनी तो परिजन ने शादी से मना कर दिया, जिससे परेशान दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए जहर खाकर आत्महत्या कर लिए और दोनों का शव खेत में एक साथ मिलने से सूचना पर ग्रामीण की भीड़ मौके पर पहुंची और मृतक युवक के परिजन के सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के केसहन गांव के रहने वाले प्रमोद कुमार द्विवेदी का ही 22 वर्षीय पुत्र धीरू द्विवेदी का प्रेम प्रसंग गांव के रहने वाले रमेश कुमार कोरी की 18 वर्षीय पुत्री मीना देवी से चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जाति अलग होने के कारण ही परिजन शादी करने से मना करते रहे और जिससे दोनों प्रेमी प्रेमिका परेशान रहने लगे और अलग होने की चिंता को लेकर साथ जीने मरने की कसम खाकर जहर खाकर आत्महत्या कर लिए और दोनों के शव खेत में एक साथ पड़ा देखकर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज दिनांक 13/12/2022 को थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खेसहन में दो प्रेमी युगल ने जहर खा के आत्महत्या कर ली है ट्यूबवेल के पास। तत्काल सूचना पर थाना गाजीपुर की फोर्स मौके पहुंचकर दोनों युवक युवतियों का, जो खेसहन गांव के रहने वाले हैं, का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इस संबंध में विस्तृत जाँच की जा रही है, नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से हमारे सहयोगी बबलू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू सिंह, पूरा मामला क्या था, विस्तार से बताइए। ये गाजीपुर थाना क्षेत्र का एक स्थान गांव है जहां पे प्रेमी युगल प्रमोद कुमार द्विवेदी 22 वर्ष और पिता धीरू द्विवेदी और ये कोरी बिरादरी की लड़की है मीना देवी 18 वर्षीय दोनों प्रेमी युगल थे, जहाँ पर सूचना मिली थी कि ये इनका खेत में पड़ा शव मिला हुआ है दो प्रेमियों का और आरोप लगाया जा रहा है, जहाँ पे जानकारी के अनुसार की शादी से मना करने पर ये दोनों आत्महत्या करने की कोशिश किए हैं। सूचना पर ग्राम पहुंच पुलिस दोनों का शव लेकर के पंचनामा की कार्रवाई की है। जी बबलू सिंह, इसमें कहीं ये साजिश तो नहीं है, हत्या का कुछ मामला सामने नहीं आया है? सबसे पहले शव को किसने देखा वहाँ पर?
जी ये जानकारी जैसे ग्रामीणों को हुई है, ग्रामीणों माध्यम से पुलिस को सूचना दे गाजीपुर थाना क्षेत्र में दी गई थी, उसी के आधार पर पुलिस बताई है कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जांच चल रही है। जी बबलू सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। सहारनपुर में देवबंद में रेलवे की विद्युत लाइन से टकराने पर टायर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई है और देवबंद रेलवे स्टेशन के समीप यह भीषण सड़क, बता दें आपको कि हादसा हुआ है। वहीं पर बताया ये भी जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। बता दें आपको कि कासिमपुर रेलवे फाटक से गुजर रही रेलवे विद्युत लाइन के कारण यह हादसा हुआ है और ट्रक चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई है। एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई और बताया भी जा रहा है कि गनीमत रही कि हादसे के दौरान रेलवे ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बांदा के थाना बिसंडा पुलिस द्वारा भारी मात्रा में निर्मित और अर्ध निर्मित तमंचे और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं और अवैध तमंचों का निर्माण करने वाले 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों द्वारा काफी समय से अवैध शस्त्रों का ही निर्माण कर आसपास के जनपदों में 4 से 5 हजार रुपये में उनकी बिक्री की जाती थी। लंबी बीमारी के चलते बीजेपी के पूर्व विधायक का निधन हो गया है। बता दें आपको कि पूर्व विधायक सत्यप्रकाश गुप्ता के निधन से शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तमाम राजनेताओं ने पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित की है और पूर्व विधायक के अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ उमड़ी है। ब्रजघाट में गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया और आपको बता दें कि गमगीन माहौल में परिजनों और भाजपाइयों ने अंतिम विदाई दी है। 1993 में संभल सीट से भाजपा से विधायक बने थे। तो आपको बता दें संभल से खबर है जहां पर लंबी बीमारी के चलते बीजेपी के पूर्व विधायक का निधन हो गया है। बता दें सत्यप्रकाश गुप्ता जिनका निधन हो गया है और वहां पर भारी भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी हुई दिखाई दी। संभल में तेज रफ्तार दो बाइकों की भीषण भिड़ंत देखने को मिली है। बता दें आपको कि हादसे में एक बाइक पर सवार पुत्र की मौत भी हो गई है, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है। दूसरी बाइक पर सवार भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बहजोई थाना इलाके में गाँव सुल्तानगढ़ के पास की ये घटना है जहाँ पर दो बाइकों की आपस में टक्कर हो गई है। हादसा इतना भयानक था कि एक की इसमें मौत भी बताई जा रही है। बता दें आपको कि संभल से खबर है जहां पर तेज रफ्तार का साफ तौर पर कहर देखने को मिला है और तेज रफ्तार के चलते ही दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई और भिड़ंत इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार सभी लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं एक बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई है। बता दें आपको कि इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत बताई जा रही है, वहीं घायलों का इलाज लगातार जारी है। उन्नाव में पत्थरबाजी और मारपीट का लाइव वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल युवक की अभद्र शैली पर महिला को टोकना महंगा पड़ गया है। बता दें आपको कि युवक ने महिला के घर पर चढ़ाई कर पथराव किया है और जमकर लाठी डंडे चले है। अजगेन कोतवाली क्षेत्र के महतवान गांव का ये मामला बताया जा रहा है कि महतवानी गांव का यह पूरा घटना है जहां पर युवक की अभद्र शैली का विरोध किया जब महिला ने, तो महिला को ये भारी पड़ गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ उन्नाव से हमारे संवाददाता मोहम्मद अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अब्बास, पूरी घटना क्या है विस्तार से बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें अजगैन कोतवाली क्षेत्र के महतवी गांव की पूरी घटना है जहां जो ये व्यक्ति था ये मंदिर में एक जो लेडीज थी महिला थी
वो आए थे, उनसे ये कुछ अवध भाषा का प्रयोग करता है, जिससे ये जो महिला अवध भाषा प्रयोग करता है तो फिर जो ये लोग हैं ये लोग इनके घर पे, महिला घर पे आ जाते हैं, चढ़ाई करते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं, तो जिसका वीडियो जो वहाँ क्षेत्रीय लोग हैं उन लोग ने बना करके उन लोग ये वायरल कर देते हैं, जिससे ये मामला पुलिस के संज्ञान में आता है और पुलिस द्वारा जो कार्रवाई है वो आगे की जा रही है। जी जी अब्बास, ये जो आरोपी है ये पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, ये तो दबंगई वाला मामला सामने आ गया। जी बिल्कुल, जो ये गांव के जो लोग हैं ये अक्सर जो बताया जा रहा है कि इन लोग ऐसी हरकतें अक्सर किया करते हैं, चुनाव के माहौल में जो होता है उसमें ये दंगाई और गंगाई जो ऐसी हरकतें हैं इन लोग अक्सर किया करते थे। इन लोग का नाम भी काफी पुलिस थाने में जा चुके हैं, जिससे इन लोग फिर से जो हरकत की है इसमें फिर से पुलिस ने संज्ञान लेकर के इन लोग पर कार्रवाई की बात कह रही है। जी जी अब्बास, ग्रामीणों का क्या कुछ इस पर मांग है कि ये जो आरोपी है दबंगई करता है इसको लेकर कुछ कार्रवाई की जाए? जी बिल्कुल, जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, जो ग्रामीण है, वो लोग ने बयान दोनों ने भी दिया है कि ये लोग अक्सर ऐसी हरकतें किया करते हैं, अक्सर मारपीट और गाँव में माहौल खराब किया करते हैं, जिससे जो लोग हैं उन लोगों ने भी मांग की है कि इन लोग पर जो कार्रवाई है उचित कार्रवाई की जाएगी। जी अब्बास, पुलिस इसको लेकर अब कार्रवाई करेगी, क्या कुछ इसमें कार्रवाई रह सकती है? जी पुलिस का कहना यह है कि जो पीड़ित पक्ष था महिला थी उससे जो तहरीर है तो वो ली गई है और जो उचित कार्रवाई जो इन लोग पर मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है, जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद अब्बास हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो उन्नाव से खबर है जहां पर बता दें आपको कि पत्थरबाजी और मारपीट का लाइव वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी की दबंगई का ये मामला सामने आया है और जब युवक की अभद्र शैली का महिला ने विरोध किया तो उसके बाद युवक की दबंगई सामने आई, जहां पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से युवक पत्थर के द्वारा ही हमला कर रहा है और वहीं महिला भी जो है वो युवक को समझाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, ग्रामीण वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस को सूचना दी जाएगी जिसके बाद पुलिस इस पर अग्रिम कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड की इसमें सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत 2025 तक राज्य की महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है और जिसके लिए महिलाओं को तकनीकी मार्गदर्शन, परीक्षण, उत्पादों के वितरण की सुविधा पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। वही आपको बता दें कि चमोली जिले में लखपति दीदी योजना के तहत सर्वे चल रहा है और जिसमें जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने बताया है कि जनपद चमोली में जिले में ही लखपति दीदी योजना का 82% सर्वे पूर्ण हो चुका है और बाकी की सर्वे चमोली जिले के 9 ब्लॉकों में चल रही है। चमोली जिले में 61,000 रुपये जिन लखपति दीदियों की है दी है और चमोली प्रशासन ये कोशिश में लगा है कि ये भी 1,00,000 से ऊपर हो जाए, इनको भी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। में टोटल जो हाउस होल्ड 26,922 के सापेक्ष में 22,022 का सर्वे हो गया है, यानी 82% सर्वे हमारा पूरा हो गया है और इसमें जो अभी तक फिगर मिला है वो 1853 जो हैं वो ऑलरेडी 1,00,000 की आय से ऊपर है और 2358 जो हमारी 61,000 से 1,00,000 के बीच में है। तो इन 2358 में हमारा लक्ष्य ये है कि इनको हमें 1,00,000 की सीमा से ऊपर ले जाने के लिए विभिन्न तरीकों से इनको ट्रेनिंग दे करके कन्वर्जेंस करके इनकी आय बढ़ानी है। और इसमें अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा संख्या लक्ष्य की है वो 672 जोशीमठ में है और
सेकंड नंबर पे घाट ब्लॉक की संख्या है जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत 2025 तक राज्य की महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए महिलाओं को तकनीकी मार्गदर्शन, परीक्षण, उत्पादों के वितरण की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। और वहीं आपको ये भी बता दें कि चमोली जिले में लखपति दीदी योजना के तहत सर्वे चल रहा है, जिसमें जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने बताया है कि जनपद चमोली जिले में लखपति दीदी योजना का 82% सर्वे पूर्ण हो चुका है और बाकी के सर्वे चमोली जिले के 9 ब्लॉकों में चल रही है। चमोली जिले में 61,000 रुपये जिन लखपति दीदियों की, चमोली प्रशासन में कोशिश है कि 1,00,000 से ऊपर हो जाए और इनको भी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। गदरपुर में एसडीएम एक्शन मोड में है और इसी दौरान ही एसडीएम ने अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली को चालान कर दिया है। इस दौरान एसडीएम राकेश त्रिवानी ने तहसील परिसर में मौजूद कार्यालय में बताया है कि जब वो अपने कार्यालय की ओर जा रहे थे, तभी डलपुरा गांव के पास उन्होंने रेता बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका और कागजात मांगे, जिस पर वो कागज नहीं दिखा पाया तो हमने उसको तहसील परिसर में ही खड़ा करने को कहा और कुछ देर बाद वो युवक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने का प्रयास करने लगा, जिस पर हमारे द्वारा रोका गया और गदरपुर तहसील परिसर लाया गया। भूमि से मिट्टी उठाई गई है और जिसका हमने संज्ञान लिया है और जिसमें खनन विभाग, राजस्व और सिंचाई विभाग के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। अवैध तरीके से उठाए गए मिट्टी बार रेता बजरी उस व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। एक ट्रैक्टर ट्राली में कुछ आरबीएम भरा हुआ आ रहा था, तो उसको हमने ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करके रोका, तो ड्राइवर को मैंने कहा तहसील में खड़ा करो और इसके कागजात दिखाओ। चूँकि उसके कागजात नहीं थे और ड्राइवर उसको एक घर में, पास घर था डलपुरा में, तो वहाँ लेके गए। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा कि यहाँ ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं, तुम तहसील ले चलो। तो आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग उसमें रोकने की कोशिश किए, बाद में ठीक है फिर हम उसमें उसको वापस लाए हैं तहसील और उसमें चलानी कार्रवाई की जा रही है। गुलरपुर डैम के पास से सिंचाई विभाग की भूमि से मिट्टी उठाई गई है, एक मिट्टी जो मिट्टी का कारोबार करते हैं कुछ लोगों का, तो क्या अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली को चालान जो है उनका कर दिया है। और इस दौरान ही एसडीएम राकेश तिवारी ने तहसील परिसर में मौजूद कार्यालय में बताया है कि वो अपने कार्यालय की ओर जा रहे थे और तभी डलपुरा गांव के पास उन्होंने रेता बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका और कागजात मांगे, जिस पर वो कागज नहीं दिखा पाया और हमने उसको तहसील परिसर में खड़ा करने को कहा। कुछ देर बाद ही वो युवक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने का प्रयास करने लगा, जिस पर हमारे द्वारा रोका गया और गदरपुर तहसील परिसर लाया गया। भूमि से मिट्टी उठाई गई है और जिसका हमने संज्ञान भी ले लिया है, जिसमें खनन विभाग, राजस्व और सिंचाई विभाग के अधिकारी मिलकर काम करेंगे और अवैध तरीके से उठाए गए मिट्टी बार रेता बजरी उस व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई लगातार की जाएगी। संभल पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर बंदूक, तमंचों और शस्त्र बनाने के उपकरणों समेत 2 अवैध शस्त्र निर्माताओं को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सदर कोतवाली इलाके का है, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़कर 2 तैयार बंदूक, 5 तमंचे और अधबने तमंचों और शस्त्र बनाने के उपकरणों समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास भी है।
तो संभल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर अवैध सशस्त्र निर्माताओं की गिरफ्तारी का जो मामला है वो सामने आया है। और इसी खबर पर हमारे साथ संभल से हमारे सहयोगी प्रदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सशस्त्र फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, इसमें आरोपियों को भी गिरफ्तारी की गई है, क्या है पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी मैं आपको बता दूँ, लगातार फैक्ट्री का संचालन की सूचना पुलिस को मिल रही थी, इसलिए पुलिस लगातार लगी हुई थी, अपने नजर लगा रखे थे, उसको देखते हुए पुलिस ने जो है छापेमारी की। फैक्ट्री जहाँ अवैध फैक्ट्री मतलब बरामद की गई है, जहाँ दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, बरामद किए गए हैं, गिरफ्तार जेल में रहा है। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो संभल से खबर थी जहां पर सशस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध सशस्त्र निर्माताओं की जो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस फिलहाल आगे की जांच में भी जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।